सऊदी अरब और ईरान का प्रॉक्सी वॉर अब खूनी बदले में तब्दील हो गया है। सऊदी अरब का दावा है कि उसने ईरान के भेजे 10 आतंकवादियों को न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया। सभी आतंकी सऊदी के रॉयल पैलेस के अंदर तक एंटर हो चुके थे, बस पल भर की देरी हुई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और अगर ऐसा ना होता तो सऊदी अरब का शाही परिवार खत्म हो जाता। ये रिपोर्ट देखिए। सऊदी में आतंकी थ्रेट, शाही परिवार का टारगेट, रूहानी के इशारे पर प्रिंस सलमान इन डेंजर, दहशत का बारूद बरामद, एक पल की देरी टली आफत, 10 ईरानी आतंकी गिरफ्तार, बच गया शाही परिवार। सऊदी अरब और ईरान की तकरार में साजिश पूरी बदले तक पहुंच गई है, बस चंद पल की देरी हुई वरना सऊदी अरब का पूरा शाही परिवार खत्म हो जाता। ईरान की साजिश में वो खतरनाक आतंकवादी शामिल थे जो भारी हथियार और गोला बारूद के साथ सऊदी के शाही पैलेस तक पहुंच चुके थे। लेकिन इससे पहले कि वो सुल्तान या प्रिंस सलमान को निशाना बनाते, इसके पहले ही सऊदी के गार्ड्स ने आतंकी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। ईरान की साजिश को लेकर खुलासा सऊदी अरब ने इन्हीं आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद किया है। सऊदी अरब ने दावा किया है कि उसने ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड से ट्रेनिंग लेने वाले और सऊदी अरब में हमले के लिए तैयार किए गए आतंकवादियों का पर्दाफाश किया है। ईरानी के रहमो करम पर पनप रहे इसी संगठन के 10 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया है जिनके पास से हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद कर ली गई है। सऊदी अरब से गिरफ्तार आतंकी ईरानी मूल के हैं। आतंकियों को IRGC ने 3 साल पहले ट्रेनिंग दी थी। ट्रेनिंग 29 अक्टूबर से 8 दिसंबर 2017 तक चली थी। ये ट्रेनिंग हथियार चलाने और विस्फोटक बनाने की थी। सऊदी अरब का दावा है कि साजिश में ईरान के शामिल होने का खुलासा खुद उन्हीं आतंकवादियों ने किया है जिन्हें गिरफ्तार किया गया है और उन्हीं की निशानदेही पर 2 जगह से उन हथियार और विस्फोटकों को बरामद किया गया है जिन्हें वो शाही परिवार के खात्मे के लिए इस्तेमाल करने वाले थे। वही सऊदी अरब इन आतंकवादियों का ताल्लुक हूती विद्रोहियों से बता रहा है। मुमकिन है कि ईरान और सऊदी के बीच जारी प्रॉक्सी वॉर के ग्राउंड पर खुलासा सच्चाई के करीब हो, लेकिन अब तक ईरान ने न तो जिम्मेदारी स्वीकार की है न ही सऊदी अरब ने आतंकियों का वीडियो जारी किया है। सिर्फ उन हथियारों की तस्वीरें साझा की हैं जिन्हें बरामद करने का दावा किया जा रहा है। आतंकियों से 4 क्लाशनिकोव मशीन गन बरामद हुई हैं, 1 हैकलर, 1 COCH G3 राइफल और स्नाइपर भी मिली है। इसके अलावा 2 पिस्तौल, 1 एयर राइफल, 4,620 राउंड भी मिले हैं। 18 मशीन गन और पिस्तौल के चैम्बर भी बरामद हुए हैं। सऊदी अरब ने बरामद किए गए तमाम हथियारों की तस्वीरें जारी की हैं, जिसमें चौंकाने वाली तस्वीरें हैं। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प की यूनिफॉर्म और वो बैग जिन्हें ईरानी आर्मी ही इस्तेमाल करती रही है, इन्हें ईरान की साजिश के सबूत के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन इससे भी बड़ा सबूत है वो सामान जो सऊदी अरब के फैसल समेत कई शहरों को तबाह कर सकता था। आतंकियों से 5.28 किलो गन पाउडर मिला है, 67 फ्यूज और 51 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर मिले हैं। हथियार बनाने के लिए वेल्डिंग मशीन मिली है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर और वॉकी टॉकी मिले हैं। बारूद की इतनी बड़ी खेप सऊदी अरब में पहली बार पकड़ी गई है, जिसने शाही परिवार को अलर्ट कर दिया है क्योंकि रूहानी के टारगेट पर कौन है इसका खुलासा हो चुका है। पकड़े गए 10 आतंकवादियों के अलावा भी सऊदी अरब में ईरानी जासूस और दूसरे आतंकवादियों के होने की संभावना है। यानी जो प्रॉक्सी वॉर अब तक मिसाइल और ड्रोन हमले से एक दूसरे के तेल के भंडारों को निशाना बनाने के लिए होती थी, वो खूनी बदले में तब्दील हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootghar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे फिक्र आपकी।